8 दिनों से लापता छात्र की कुएं में मिली लाश। बांकी मोगरा थाना क्षेत्र से गुम हुआ था छात्र, घर वालों ने कपड़े और चप्पल से की शिनाख्त। बांकी मोगरा पुलिस जुटी मामले की जांच में। विगत 8 दिनों से लापता स्कूली छात्र की लाश कटईनार स्थित कुएं से बरामद की गई। मौका स्थल पर मिले चप्पल से उसकी पहचान की गई। पानी में कई दिनों तक डूबे रहने से लाश पूरी तरह छत विछत हो चुकी है। वहीं पानी में जीव जंतुओं ने शव को विकृत कर दिया है। मामले में बांकी मोगरा पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। बांकी मोगरा के शांतिनगर क्षेत्र में रहने वाले हर्ष गुप्ता का शव सोमवार की सुबह मिला। बांकी मोगरा से 5 किलोमीटर दूर कटईनार में बांध के पास स्थित कुएं में कुछ लोगों ने शव देखा। सूचना मिलते ही बांकी मोगरा TI रामेंद्र सिंह कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां का मुआयना किया गया और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पंचनामा कर PM के लिए भेजकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने वाले तथ्यों के जरिए तय हो सकेगा कि हर्ष गुप्ता हादसे का शिकार हुआ है या कोई अन्य घटना उसके साथ हुई। कल दिनांक 14 तारीख को सुबह 9 बजे के लगभग पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति के शव एक कुएं में पड़ा है चटईनार में। तो हमने वहाँ जा कर तस्दीक किया, फिर संदेह होने पर उनके परिजनों को वहाँ बुलवाए और पहचान करवाए, तो उन्होंने अपना पुत्र हर्ष गुप्ता होना बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़। आप देख रहे हैं खटपट न्यूज़।